हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं नए टॉपिक के साथ आज आ चुकी हूँ। आज का बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आपका चैनल कितने दिनों में मोनेटाइज हुआ, कैसे हुआ, मुझे भी गाइड करना दी, ऐसे वैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आए हुए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जो मेरा चैनल था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरा क्या रिएक्शन था, उस वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला। तो उस वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत कोई कमेंट कर रहे थे, कॉन्ग्रेट्स दी, प्यारे बहुत कमेंट आ रहे थे। तो मुझे मैं सारा कमेंट रीड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के। तो जैसे आप उस वीडियो में इतना सारा आप लोग प्यार दिए, उसी तरह हर वीडियो में मेरा मुझे प्यार दीजिए। और चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और प्यारे प्यार जैसे आप लोग कमेंट करते हैं वैसे हमेशा कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ, कितना दिन लगा फाइनली तब जाके हुआ। तो शुरू से मैं बताती हूँ, जब मैं चैनल स्टार्ट की थी यूट्यूब, तो उस टाइम मैं खुद का सेमेस्टर 4 BA का एग्ज़ाम लिख रही थी। तो उस टाइम क्या था कि घर पे मैं अपने ससुराल पे अकेले रहती थी, बिल्कुल भी अकेले, और कुछ काम होता नहीं था ज़्यादा, खाना, हम लोग बस 4 फैमिली है, हम, मेरे हस्बैंड और सब, मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी, बस 4 ही है। तो ज़्यादा खाना पीना भी नहीं, तो दिन भर ऐसा ही होता था वेस्ट। तो एग्ज़ाम दी तो पता नहीं क्या माइंड किया, यूट्यूब के बारे में उतना मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मुझे ये भी नहीं बनना था कि मुझे यूट्यूबर बनना है या ब्लॉगिंग करना, कुछ भी ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था, बस टाइम पास होता है ना, हाँ चलो करते हैं। तो यूट्यूब जो मेरा क्वेश्चन पेपर था उसी को, मेन एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला था सेमेस्टर 4 का, वही वीडियो बनाई मैं और अपलोड कर दी थी, वीडियो अपलोड कर दी। तो वीडियो में अच्छे खासे व्यू लाइक ये सब आ जाता था, तो उतना मैं माइंड नहीं करती थी, बस अपलोड कर देती थी, फिर गैप हो गया, तो फिर बीच में भी मेरा गैप हो गया, छूट गया था, क्योंकि मुझे इतना खास उस पर ध्यान नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कैसे हैशटैग लगाया जाता है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ भी बस सिंपली वीडियो बनाए, कुछ कैप्शन में दे दिए और अपलोड कर दिए, ऐसा होता था। फिर छूट गया, फिर जब मुझे कमेंट आने लगे तो मैं थोड़ा बहुत क्या हुआ, सिलेबस के हिसाब से वीडियो बनाने लगी। सेमेस्टर 4 का जैसा सिलेबस था, मैं हिंदी ऑनर्स मेरा था, तो हिंदी ऑनर्स पर स्पेशली मैं वीडियो बनाने लगी, तो मुझे अच्छे खासे कमेंट वगैरह आता था, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे होते थे, पर उतना कुछ मुझे पता नहीं था, और घर में हम अपने हस्बैंड से भी नहीं पूछते थे ऐसे क्या प्रोसेस है, क्या होता है, बस सिंपली बनाती थी मैं। फिर उसके बाद हुआ क्या, फिर मेरा आ गया प्रेगनेंसी जर्नी। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम ये सब में ध्यान नहीं होता था, बिल्कुल मैं यूट्यूब को भूल ही गई कि मतलब कि यूट्यूब भी मेरा चैनल है, मैं उसमें वीडियो अपलोड करती थी, बिल्कुल मेरा छूट गया। उसके बाद जब मेरी बेटू, जब डिलीवरी मेरा हो गया, उसके बाद यूट्यूब में कुछ दिनों के बाद में 1-2 वीडियो बस ऐसे ही डाल दी, फिर मुझे बहुत सारे कमेंट आने लगे कि आपका वीडियो बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आप जो बताते हैं बहुत है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आता है, आप लोग जाके मेरे जो स्टडी वाले वीडियोज़ पे देख सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं जो बताती हूँ लोगों को समझ में आ रहा, मुझे इतने प्यारे प्यारे से कमेंट आ रहे हैं। तब मैं अपने हस्बैंड को बताई अपने यूट्यूब के बारे में, ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा ऐसा कमेंट आता है, तो मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट किए कि जब तुम्हारा इतना सब्सक्राइबर है, इतना अच्छा अच्छा कमेंट आता है, सब कुछ वीडियो डिमांड कर रहा, तो तुम्हें बनाना चाहिए, यूट्यूब बहुत अच्छा होता है, इसमें ग्रो कर जाओगी। तो ये सारे डिटेल्स मुझे दिए, और मैं यूट्यूब में वीडियो 1-2 सर्च करके देखी यूट्यूब के बारे में, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि शायद मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, कर सकता है, तो मुझे करना चाहिए। तो मैं टाइम निकाल के, जैसे कमेंट जो आता था कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैम, तो उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती थी, ऐसे करते करते मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया। तो मोनेटाइज के लिए आपको चाहिए होता है 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम, तब आपका जाके चैनल मोनेटाइज होता है। तो 2 स्टेप पहले से होता है, वो प्रोसेस हो चुका होता है, आपको जितना भी मैं बताते के साथ साथ फ़ोटो भी दिखाते जाऊंगी, आप लोग देखते जाइएगा। तो जैसे कि 4000
अब वॉच टाइम चाहिए और 1K सब्सक्राइबर चाहिए। तो मेरा 1K सब्सक्राइबर हुआ नहीं था उससे पहले, मेरा 4 घंटा जो चार घंटा वॉच टाइम चाहिए, 4000 सॉरी, वो हो चुका था, पर 1K सब्सक्राइबर होने में 20-15 ऐसे बाकी था। तो फिर वो भी धीरे धीरे हो गया। आप लोग यहाँ पे एक भी गलती मत कीजिएगा अपना चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए खुद से, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं खुद से जाके अपने यूट्यूब का कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ चैनल को, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे आप करते सब्सक्राइबर तो बढ़ता है आपका, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है उस टाइम आपका प्रॉब्लम क्या आ सकता है आपका, जो जब यूट्यूब चैनल जब मोनेटाइज होने के लिए, जब रिव्यू के लिए भेजा जाता है, जब यूट्यूब वाले खुद से आपका चैनल का हर चीज़ चेक करते, तो उन्हें सब पता चल जाता है कि आप वीडियो कितना शेयर किए हैं, कितना क्या किए हैं, तो वहाँ आपका मोनेटाइज होने में वो टाइम लगाएगा, थोड़ा समय लगेगा। तो इस वजह से ये सारी गलतियाँ मत कीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं की थी, मैं बहुत सेफ्टी चली थी अपने चैनल को लेकर, और तब मेरा मोनेटाइज बहुत अच्छे से, तो ज़्यादा टाइम ना लेके तुरंत हो गया था, इसलिए आपको भी मैं ये सेफ्टी बताते जाऊँगी कि आप क्या क्या गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ होता है ये बात, तो मेरा 1K सब्सक्राइबर भी हो गया, फिर उसके बाद 4500 मेरा वॉच टाइम हो गया, तो दोनों मेरा डन हो गया। अब जैसे ही आपका 1K सब्सक्राइबर हो जाता है, तो ये नहीं कि आप तुरंत से ये सब्सक्राइब कर अप्लाई नाउ कर दीजिए मोनेटाइज के लिए, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए 1000 जब सब्सक्राइबर हुआ है 1000, उसके बाद शायद आप मोनेटाइज करें और कोई अनसब्सक्राइब कर दे तो वो भी गलती हो सकती है। तो इसलिए आपका 1000, 10, 20 ऐसे सब्सक्राइबर हो जाता, जितना ज़्यादा हो जाए तब आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दिखाया है एक, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम मेरा कंप्लीट है। उसके बाद क्या होता है आपका, जहाँ से आप बार बार देख रहे होते हैं मोनेटाइजेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे जाके हम लोग जहाँ चेक करते हैं, जहाँ पे हम शो होता है कि आपका कितना सब्सक्राइबर हुआ है और कितना वर्स्ट टाइम हुआ और कितना चाहिए, तब जाके आपका जो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई होगा। जब वहाँ पे आप जाइएगा, जब आपका ये सारा कंप्लीट हो चुका होगा, तो चार पैराग्राफ होता है, चारों में आपका टिक लग चुका होता है, और आपको नीचे खुद ऑप्शन देने लगेगा अप्लाई नाउ का। तो अप्लाई नाउ अब तब कीजिए जब आपका वॉच टाइम भी थोड़ा बढ़ जाए और सब्सक्राइबर भी 1000 से कुछ ज़्यादा हो जाए, तब आप अप्लाई नाउ कीजिए। आप अप्लाई नाउ करते हैं तो आपको पहला प्रोसेस जो देता है टर्म्स एंड कंडीशन, यूट्यूब के बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उसे आपको फॉलो हमेशा करना है, ज़िंदगी भर करना है, तो वो एक एक चीज़ डिटेल्स में लिखा होता है। इसके बाद आप उसको डन करते हैं, उसको जब आप सारा टर्म्स कंडीशन मानते हैं तो डन करते हैं, तो वो तुरंत डन हो जाता है उनका नियम कानून, जब आप मानने को तैयार होते हैं। फिर सेकेंड आपका प्रोसेस होता है एडसेंस अकाउंट का, तो एडसेंस अकाउंट बनने में लगभग आपका लग जाता है 24 घंटा के अंदर आपका डन शो हो जाएगा, अगर कुछ फॉल्ट है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरा डन हुआ था, मेरा भी शायद रिजेक्ट हो जाता, लेकिन मैं बोली तो यूट्यूब को लेके मैं बहुत सीरियस हो चुकी थी और बहुत सेफ्टी से चलती थी, कोई भी कन्फ्यूजन रख के कुछ भी काम नहीं करती थी, जिससे होता अरे मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया मोनेटाइज कर लेंगे ये वो, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल धीरज रख के और धीरे धीरे सारा प्रोसेस की हूँ। पहला तो टर्म्स कंडीशन अच्छे से पढ़ के उसके बाद मैं डन की, जब एडसेंस के बारे में आया तो उसके बारे में पहले मैं जानकारी ली कैसे कैसे क्या किया जाता है, और मेरा बहुत बड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता था, जिस जीमेल से मेरा यूट्यूब बना हुआ था उसी जीमेल से मेरा एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ था, जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं था। शायद मैं, आप जब भी एडसेंस यूट्यूब का एडसेंस अकाउंट बनाने जाते हैं तो आप यूट्यूब का जो जीमेल है उससे ही अधिकतर बनाते हैं लोग, लेकिन आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका एडसेंस अकाउंट तो नहीं बना हुआ जीमेल से। अगर आपका पहले से बना हुआ एडसेंस अकाउंट तो आप बनाने जाते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो इसको आपको सुधारने के लिए ही उपाय है कि आप नया से, मतलब कि कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एडसेंस अकाउंट के लिए एक नया जीमेल बनाना है, जिससे कोई जीमेल पहले नहीं बना हुआ, नया एकदम तुरंत ताज़ा एक जीमेल बना लीजिए और उससे आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाइए यूट्यूब में, जहाँ पे आपको एडसेंस अकाउंट बनाने को बोला जा रहा है। उसमें आपसे एड्रेस लिया जाएगा, सारा आपका डिटेल्स लिया जाएगा, बताया
पूछा जाएगा, आप सब चीज़ लिखते जाइएगा, भरते जाइएगा, बस आपका प्रोसेस आगे होते जाएगा। और नया जीमेल जो आप बनाए हैं वो दीजिए। अगर आपका पहले का जो जीमेल में एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ तो बहुत अच्छा है। और तो आप लोग यहाँ पे चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका एडसेंस अकाउंट है या नहीं? आप क्रोम में जाके एडसेंस साइन अप जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे जाके अपना जीमेल को डालिए। अगर आपका बना हुआ होगा तो खुल जाएगा आपका एडसेंस अकाउंट, अगर नहीं बना हुआ होगा तो नहीं खुलेगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं। तो मेरा क्या हुआ था, मेरा बना हुआ था और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मेरे हबी ही मोनेटाइज कर रहे थे मेरे चैनल, तो वो बोले कि कहाँ से तुम्हारे चैनल का एडसेंस अकाउंट बनेगा ऐसे वैसे। पर मैं बोली मुझे लग रहा है शायद हो सकता है बहुत उस्तादगिरी थोड़ा करते रहते थे तो हो सकता है बना हुआ हो। तो चेक करने से सच में मेरा एडसेंस अकाउंट बना हुआ था और बाई चांस मैं बच गई। उसके बाद मुझे फिर नया से जीमेल हम लोग बनाए, उसके बाद एडसेंस अकाउंट किए। फिर एडसेंस अकाउंट जैसे ही हो गया थोड़ा सा मन में डर लगा हुआ, क्योंकि वो तुरंत डन नहीं होता, 24 घंटा लगता है वो प्रोसेस होने में कि हुआ या नहीं। तो लग रहा था होगा या नहीं होगा, क्या होगा, बहुत मन में घबराहट से था, बार बार लैपटॉप खोल के चेक करते थे। पर मेरा बहुत जल्दी से सुबह 9-10 बजे से एडसेंस अकाउंट बनाए हम लोग और शाम को 6-7 बजे तक बन चुका, डन हो गया था सेकेंड प्रोसेस भी। फर्स्ट भी डन हो गया, सेकेंड भी डन हो गया, और थर्ड प्रोसेस है उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो खुद से होता है। वो थर्ड जो प्रोग्रेस है वो खुद चला जाता है, खुद से होगा। और जब हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, आपको ईमेल भी आएगा। जब आप लैपटॉप या फ़ोन जब भी खोलिएगा, यूट्यूब में जाइएगा तो डायरेक्ट एक मैसेज करेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, जो मैसेज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी तो वैसा आप लोगों को शो करेगा। तो फिर जब मेरा तीसरा प्रोसेस आता है तो मुझे थोड़ा डर सा लगा रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बार बार मैं चेक करती थी। तो तीसरा प्रोसेस क्या हुआ मेरा, इसलिए थोड़ा लेट हुआ क्योंकि यूट्यूब की तरफ से शनिवार और रविवार को कोई काम नहीं होता है, छुट्टी होता है उन लोगों का। तो मैं की थी अप्लाई शुक्रवार को सुबह 10 बजे, तो एक दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब मोनेटाइज करने के लिए बहुत सारे चैनल गए हुए रहते हैं एक ही साथ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। पर एक दिन हुआ नहीं हुआ, शनिवार को भी पूरा दिन भर वेट की नहीं हुआ, रविवार को भी पूरा वेट की नहीं हुआ, सोमवार को भी दिन भर से पूरा बार बार मैं चेक करती थी कि क्या होगा। वो सारे तो आप वीडियो में देख चुके होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने टाइम में कितना वेट की थी, कितना एक्साइटमेंट था, आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो को जाके। तो ऐसा कुछ हो रहा था, बार बार मैं चेक कर रही थी, मुझे डर लग रहा था होगा या नहीं, क्योंकि यूट्यूब वाले बहुत चेक करते हैं तब आपका जाके चैनल मोनेटाइज करते हैं। मोनेटाइज करना इतना इजी नहीं होता, अगर आपका कोई कॉपीराइट क्लेम है, कोई स्ट्राइक है, या कोई गाना आप लिए हैं, या किसी का वीडियो कॉपी करके आप यूट्यूब पे डाले हैं, कुछ भी थोड़ा मिस्टेक, अगर आपका अपना कंटेंट नहीं है तो फिर चैनल मोनेटाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरा सारा अपना कंटेंट था, मैं पढ़ाई का वीडियो बनाती थी तो मुझे उतना डर तो नहीं था, फिर भी थोड़ा डर लग रहा था होगा या नहीं होगा, इतना टाइम नहीं रहा। पर फाइनली सोमवार को रात 7-8 बजे के बीच में मेरे हस्बैंड घर पे आए, तो वो भी हमेशा चेक करते थे, मैं भी, तो वही चेक करने गया और मैं भी बस बगल में बैठी हुई थी। जैसे ही वो खोल के देखे तो डायरेक्ट मैसेज शो किया, कॉन्ग्रेचुलेशन मायरा ब्लॉग्स, आपका जिस नाम से यूट्यूब चैनल होगा डायरेक्ट उस नाम से मैसेज रिसीव हो जाएगा आपको, बस वो मैसेज। फाइनली फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था गाइस, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था तो मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे वो मैसेज जैसे ही देखे मैं बिल्कुल एकदम कूदने लगी थी हस्बैंड को पूरा पकड़ के, कि हैप्पीनेस का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे हस्बैंड भी खुश हुए थे, वो भी बहुत एक्साइटेड थे, मैं बहुत मेहनत करती थी, वो भी देखते थे, टाइम ना होके भी, छोटी सी बेबी होके भी मैं टाइम निकालती थी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, और जो भी कमेंट आता था उस हिसाब से मैं वीडियो बना के डालती ही डालती थी, तो बहुत मेहनत था मेरा उसमें, तो बहुत खुश हुए थे हम, बिल्कुल रोने लग गए थे खुशी से, हंस भी रहे हैं और आंसू भी आ रहा है, हम तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इतना दूर तक पहुंचना इजी नहीं होता है, बहुत जो नहीं जानता वो तो बहुत कुछ बोल देगा, कुछ नहीं है फालतू वीडियो बना के डालना है ऐसे वैसे बोलता है आदमी, और गाँव में है और मुझे पता है मुझे कितने सारे प्यार करने वाले हैं, और कितने सारे प्यार करने वाले अभी देख भी रहे होंगे जो मेरे चैनल सब्सक्राइब करने वाले हैं और वीडियो सारे वीडियो को बहुत सारा प्यार देने वाले।
खाने, और मेरे जो ऑलरेडी सीट ऑफ फैमिली है उन्हें भी बहुत सारा थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा हमेशा प्यार देने के लिए, मेरे सारे वीडियो में इतने प्यार प्यार कमेंट करने के लिए। आप लोग शुरू से लेकर हमेशा आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज का वीडियो यही था हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है मोनेटाइज के लिए, और कैसे कैसे आप लोगों को गलतियाँ नहीं करनी है। और यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूँगी, अगर आप चैनल मोनेटाइज करने जा रहे हैं अप्लाई नाउ, तो आप एक बार अपने सारे वीडियो को चेक कीजिए कहीं पर कुछ ऐसा मिस्टेक तो नहीं है, आप किसी को टैग तो नहीं किए हैं जिससे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, जिससे आपका जान पहचान नहीं, सोच रहे हैं कि मेरा व्यू आ जाए वो, तो किसी को आप से टैग किए होंगे, तो ऐसा आप गलती नहीं किए हो। अगर किए हो तो आपको तुरंत से वीडियो एडिट में जाके सारा चीज़ हटा के अपना कंटेंट वगैरह सुधार के और उस चीज़ को सुधारें, और फिर ये भी करें कि कोई भी एक ही टॉपिक का वीडियो दो चार तो अपलोड नहीं किए, सेम एक ही टॉपिक है, एक ही थंबनेल है, एक ही चीज़ को आप लिखिए, एक ही कंटेंट है, ऐसा नहीं करना, सेम टू सेम नहीं लिखना। अगर मान लीजिए यहाँ आप लिखते हैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, फिर आप सेकेंड को वीडियो करते हैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो ये आपका मोनेटाइजेशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। आपको एक ही चीज़ सेम टू सेम लिख के, हाँ आगे पीछे लिख के आप कर सकते हैं, पर सेम टू सेम एक ही लाइन बाय लाइन लिख के आप नहीं कर सकते। तो ये सारा गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, मैं बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ ये सारी बात। तो अब इससे आगे अब कुछ बताने वाला बात है नहीं, अगर कुछ वैसा कोई बात होगा, आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होगा अब भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी, या कमेंट में अगर छोटा सा कोई टॉपिक होगा तो कमेंट में भी मैं रिप्लाई कर दूँगी, जिससे आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ये था मेरा प्रोसेस कैसे कैसे क्या होता है। अब आते हैं हम लोग मोनेटाइजेशन का, हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है टॉपिक के, इतना दूर हम लोग देख लिए कि हाँ ऐसे ऐसे मोनेटाइजेशन होता है। अब हम लोग क्या आगे मेरा जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊँगी मोनेटाइजेशन के बाद आपको क्या क्या करना होगा, कैसे आपको पैसा दिखेगा, कैसे, हाँ मोनेटाइजेशन के बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, पर कैसे पैसा आएगा, कैसे क्या होगा, अगर इस चीज़ का आपको भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, तब ना मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को हाँ ये चीज़ जानना है, कैसे क्या शो करता है, पैसा कहाँ शो करता है, कितना दिनों में शो करता है, कैसे कैसे पैसा बनता है, तो वो सारे मैं वीडियो सेपरेट लेके आऊँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, समझ में आया तो कमेंट करके भी बताइए आप लोगों को कैसा समझ में आया, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सोच क्या रहे, सब्सक्राइब जल्दी से जाके कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे हर वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट कीजिए किस वीडियो के साथ मैं मिलूँ।